नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 2024 चुनाव को लेकर के लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा वैसे प्रत्याशियों का और वैसे जिलाध्यक्ष का। अभी हम जिलाध्यक्ष का चर्चा कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल के जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी भूमिका पर चर्चा पार्टी के अंदर ही हो रही है। पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और नेता समीक्षा कर रहे हैं कि कौन से जिलाध्यक्ष 2024 चुनाव में जीत दिलाने के लायक है या नहीं। हमने आपको भाजपा और कांग्रेस का दिखाया इससे पहले, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन अब हम आपको राष्ट्रीय जनता दल का समीक्षा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को विगत 15 वर्षों में इतना मजबूत किया था कि अभी तक उसका वोट बैंक बरकरार है। उस समय जिलाध्यक्ष के रूप में दरभंगा से राम नरेश यादव लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या उस समय जदयू को लगातार आईना दिखाती रही थी, लेकिन इसके बाद जिलाध्यक्ष की भूमिका बदलती चली गई। जिला अध्यक्ष अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। याद कीजिए, जब मिश्रीलाल यादव जिलाध्यक्ष रहा करते थे राष्ट्रीय जनता दल का, तो किस तरह यादव का जिलाध्यक्ष पर लगातार पकड़ अभी तक कायम है, ये हम दिखाना चाहेंगे। और इन तमाम यादव जिलाध्यक्ष में कौन कौन ज़्यादा कार्य कर पाए, कौन कौन पार्टी के लीक से हट करके भी राजद को मजबूत करने का प्रयास किया। उस समय जिस समय तूती बोलती थी राजद की, उस समय मिश्रीलाल यादव थे। भले मिश्रीलाल यादव बाद में राजद छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए और उन्हें अभी अलीनगर से बनाया गया है, जो अभी विधायक हैं मिश्रीलाल यादव, कोची क्षेत्र के रहने वाले हैं। उसके बाद राम नरेश यादव जिलाध्यक्ष बने। राम नरेश यादव ने भी बेहतर कार्य करते हुए राजद को मजबूत किया और राम नरेश यादव की पकड़ भी अच्छी थी, लेकिन उन्हें निराश तब होना पड़ा जब इतने वर्षों तक जिलाध्यक्ष के रूप में काम करते हुए पार्टी के मजबूत की। इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता थे दरभंगा में, जानते ही आप कितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे उस समय अली मोहम्मद अली अशरफ फातमी ले लें, अब्दुल बारी सिद्दीकी को ले लें, ललित यादव को ले लें, इसके अलावा ओम प्रकाश खेड़िया को ले, तो इस तरह कई, उस समय मदन सैनी भी थे राजद में, तो इस तरह राजद के कई बड़े बड़े नेता थे, भोला यादव, इन सब नेताओं को सामंजस्य में लाते हुए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन राम नरेश यादव को टिकट नहीं मिला कोटी से। उन्होंने लगातार क्षेत्र में मेहनत की, इसके बाद वो निराश हो गए। निराश होने के बाद अपने आप को गुपचुप तरीके से बैठ गया, हालांकि पार्टी के खिलाफ बोला नहीं, लेकिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उसके बाद जिलाध्यक्ष के रूप में उमेश राय का चयन किया गया। उमेश राय के बारे में कहा जाता है कि उमेश राय एक कर्मठ तो हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए हर क्षेत्र में जाकर, चाहे पंचायत से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला तक, जो मजबूती प्रदान करनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहिए था, नहीं किया। जबकि उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता नेताओं को मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने जदयू में शामिल करा दिया। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ तोड़ने का काम हुआ। जब फातमी को टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपने समर्थित कई ऐसे नेता कार्यकर्ताओं को जदयू में शामिल करा लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल टूट के कगार पर आ गई, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने लगा। उसके बाद विधानसभा में जो 4 विधानसभा क्षेत्र थे जो महत्वपूर्ण थे, अब समझिए जरा, और सब ये अगर कहें तो ये कुछ बड़े नेता के थोड़ी सी गलती की और चूक की वजह से हो गई, या कहें ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो गई। अगर भोला यादव बहादुरपुर से चुनाव लड़ते तो 100% जीत सकते थे। आरके चौधरी अगर हायाघाट से चुनाव लड़ते तो 100% जीत सकते थे। इन दोनों ने आपस में हेर फेर कर ली, इसे दोनों सीट हारना पड़ा। दरभंगा में शहरी विधानसभा क्षेत्र से अगर ओम प्रकाश खेड़िया चुनाव इस बार लड़ते तो वो जीत सकते थे, जो कि उन्हें अमरनाथ गांधी को देना पड़ा, जिससे चुनाव हार गई और अमरनाथ गांधी एक बार फिर भाजपा में आ गए, क्योंकि पहले से ही भाजपा आरएसएस मैंडेट थे वो। इसके अलावा हम बता दें अलीनगर से अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ते तो 100% जीतते, लेकिन उन्होंने कोटी का चयन किया, जिससे वो कोटी भी हार गए और अलीनगर भी हार गए। इस तरह अगर समझे तो 5 विधानसभा जो राष्ट्रीय जनता दल अपनी और दूरदर्शी विचारों से हारी है, तो उसके पीछे एक जवाबदेही जिलाध्यक्ष की भी होती है। उनको बताना चाहिए था कि कौन किस क्षेत्र, क्योंकि अगर पार्टी के बड़े नेता जिलाध्यक्ष को नहीं सुनेंगे तो इस तरह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस तरह समझिए, अलीनगर, कोटी, दरभंगा विधानसभा, शहरी विधानसभा, हयाघाट और बहादुरपुर, ये 5 जो पक्की जीत थी राजद की, ये 5 विधानसभा से हार गए। जिलाध्यक्ष खामोश थे,
क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं के हस्तक्षेप थे, बड़े बड़े नेताओं के सीधे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ बात होती थी और पूरे बिहार के राजनीति में इन चार नेताओं की पकड़ है, भोला यादव की, अब्दुल बारी सिद्दीकी की, ललित यादव की और फिर कहें तो मोहम्मद अली सर फातमी की, लेकिन इससे निश्चित तौर पर नुकसान पहुँचा। अब MLC चुनाव हारने के बाद उदय शंकर यादव को जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि कहा जाता है उनकी राशि यानी पैसे बहुत अधिक खर्च हो चुके थे MLC चुनाव में, वो निराश भी हो चुके थे। उन्होंने चुनाव हारने के तुरंत बाद राजद के कई नेताओं के खिलाफ टिप्पणी प्रारंभ कर दी थी, उन्हें शांत करने के लिए और यादवों के वोट में बिखराव को रोकने के लिए उदय शंकर यादव जैसे कर्मठ को दिया। उदय शंकर यादव को हालांकि ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उदय शंकर यादव ने जब भी कमान संभाली उसके बाद वो लगातार प्रखंड, पंचायत और अगर कहें तो वार्डों में चयन प्रारंभ कर दिया और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय जनता दल इस बार निश्चित तौर पर उदय शंकर यादव के कार्यों की देख रही है। अभी 105 किलोमीटर की पदयात्रा दरभंगा एम्स के लेकर के हुई, इससे पहले भी दरभंगा एयरपोर्ट जैसे मुद्दे पर राजद की नीति काफ़ी अच्छी रही, सोची समझी राजनीति थी जिसे दरभंगा की जनता ने देखा और देखिए कितने सिलसिलेवार ढंग से किया, जिसमें भाजपा पिछड़ गई। भाजपा को जो करना चाहिए था वो राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल उदय शंकर यादव के नेतृत्व में लगातार काम की और हर एक दिन का उन्होंने मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय किया, पंचायत से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, और इस बात की खबर भाजपा को कानों कान तक नहीं लगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया जिसका निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को पहुंचेगा। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, क्या उनकी बात भोला यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललित यादव या फिर मोहम्मद अली असर फातमी, हालांकि जदयू में है लेकिन उनका आधा शरीर के हैं तो राजद में है और आधा जदयू में है, तो निश्चित तौर पर राजद को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर राजद में शामिल जो नेता हैं उनको फातमी प्रभावित कर सकते हैं। इस परिस्थिति में उनसे भी लड़ना पड़ेगा, तो ऐसे नेताओं के साथ किस तरह इनका समन्वय बनेगा उदय शंकर यादव का एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर जिलाध्यक्ष के रूप में उदय शंकर यादव इस बार संभावित जो सांसद प्रत्याशी होंगे, चाहे वो फातमी हो, चाहे संजय झा हो, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, या फिर वो खुद अपने आप को दावेदार मानते हैं, उनका कहना है यादवों की जो 14% वोट है और 18% मुस्लिम का, उनको मना लीजिए तो 32% है, इसमें वो निश्चित तौर पर उदय शंकर यादव जीत जाएंगे। उनका कहना है कि अगर उदय शंकर यादव को टिकट मिलता है तो यादवों का 100% वोट बैंक उन्हें प्राप्त होगा। तो उदय शंकर यादव खुद भी जिलाध्यक्ष के रूप में हैं और वो खुद भी टिकट चाहते हैं। इस परिस्थिति में उदय शंकर यादव के कंधों पर जिम्मेवारी है कि वो इन तमाम चार बड़े नेताओं के, जिनके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ ऊठ बैठ होती है, हमेशा बात विचार होती है, क्या उन चारों नेताओं को कन्विंस कर पाएंगे, क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट छोड़ पाएंगे, क्या संजय झा के लिए नीतीश कुमार जो एक सीट मांग रहे हैं उनके लिए तेजस्वी यादव जो कहते आ रहे हैं क्या वो छोड़ पाएंगे, क्या भोला यादव की बात को नहीं मानेंगे। इन तमाम बातों के बीच उदय शंकर यादव के कंधों पर जिम्मेवारी जो करते आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष के रूप में अगर सभी जिलाध्यक्ष चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा का बात करेंगे तो उसमें जिलाध्यक्ष के रूप में उदय शंकर यादव का कार्य जनता देख रही है कि निश्चित तौर पर उन्होंने चाहे वो एक जगह शोभन से लेकर के किया हो या दरभंगा एयरपोर्ट की समस्या को लेकर के किया हो या दरभंगा एम्स के लेकर किया हो या फिर फ्लाईओवर उसको लेकर के किया हो, इन तमाम बातों को लेकर के उदय शंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के जो जिलाध्यक्ष हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी चुनौती बहुत अधिक है। अगर उनको जिलाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यप्रणाली को दिखाना होगा तो उन्हें एक एक जनता के बीच अपने जनप्रतिनिधियों के सहायता से जाना होगा और जनप्रतिनिधियों को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जिनके कंधों पर जो जिम्मेवारी दी गई है वो डेली उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उदय शंकर यादव इन तमाम बातों से पिछड़ गए, क्योंकि उनके कई ऐसे नेता हैं जो खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललित यादव चाहे भोला यादव के अधिक संपर्क में हैं, तो उन्हें कभी कभी उदय शंकर यादव को लगेगा कि हम जिलाध्यक्ष हैं लेकिन हमसे ज़्यादा पूछ उन कार्यकर्ता नेताओं को है, जो कभी कभी वो आँखें भी दिखा देते हैं और अंदर अंदर से विरोध भी करते हैं। इस परिस्थिति में उदय शंकर यादव का मिनट टू मिनट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चुनाव में हम पहले जिलाध्यक्ष का विश्लेषण कर रहे हैं, कौन से जिलाध्यक्ष कर्मठ हैं और अपने प्रत्याशी को जीत दिला सकते हैं, उसमें देखिए उदय शंकर यादव की भूमिका क्या है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। अगर हमको हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद हो रहा है तो इस खबर को जितने राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि राष्ट्रीय
अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष है, उनकी कार्यों की समीक्षा कर सकें, उनकी समस्याओं को, उनकी शिकायतों को, उनके कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्हें या तो मदद कर सकें या फिर उन्हें पद से हटा सकें। क्योंकि अगर 2024 चुनाव जीतनी है, जो कि प्रतिष्ठा का सवाल लालू प्रसाद यादव का है, वो कितना पूरा कर पाते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और GTPL 985 चैनल नंबर और सिटी केबल 277 के अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ का डिजिटल ई पेपर फेसबुक में फॉलो कीजिए और हर घंटे अपडेट खबर देखिए। धन्यवाद।